हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो हमें चेक करना है कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बताया था कैसे, a और 1/a, यानी कि एक रैशनल नंबर की जब हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर अगर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 8/9 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि आप चेक करके बताओ सिर्फ कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो अगर स्टूडेंट, अगर आपका आंसर 1 आता है, सिर्फ 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 8/9 मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आएगा, कि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये आएगा 8 × 1 + 1, ऊपर वाली डिजिट प्लस होती है और इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है। ओके, आफ्टर दैट जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे दैट 8/9 मल्टीप्लाई माइनस 8 + 1 = 9/8, राइट। प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, ये होगा आपका 8/9 मल्टीप्लाई माइनस 9/8। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और 1 के साथ है माइनस और आंसर आएगा -1। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ 1 आना चाहिए, उसके साथ प्लस माइनस, बेसिकली माइनस नहीं आना चाहिए। अगर माइनस आएगा तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो हम लिखेंगे दैट 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 / 1/8। वाई? बिकॉज ये जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है, इस वजह से। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लस नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।